इन केस अगर 5 दिन उनको काम नहीं मिलता है तो बिना बिजली के वह कैसे अपने घर में रहेंगे। कचरा टैक्स को लेके पूरे देश में, नगर निगम में आपको इंदौर का है जहाँ पर कचरा टैक्स 500 रुपये महीना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिहार को बिहार सरकार प्रीपेड मीटर का प्रयोग स्थली क्यों बनाना चाह रहा है। राजधानी पटना में जनसंघर्ष मोर्चा ने प्रीपेड मीटर के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इसे सरकार से वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने प्रीपेड मीटर, कूड़ा टैक्स और पानी टैक्स के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। वहीं सरकार के इस निर्णय का जमकर विरोध किया। जिला पटना कांग्रेस अध्यक्ष शशि रंजन ने कहा कि प्रीपेड मीटर को लेकर आम जन में काफी रोष है। प्रीपेड मीटर बिना जांच लगाए लगाया जा रहा है। सरकार को प्रीपेड मीटर वापस लेना चाहिए। को लेके आम जन में काफी रोष है, काफी गुस्सा है और इस विषय को लेके पिछले 3 महीने से, 3 महीने पहले ही पटना महानगर जिला कांग्रेस जनसंघर्ष मोर्चा का घोषणा करते हुए सारे पार्टी, चाहे वो जनता भारतीय जनता पार्टी से लेकर जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि ये आम जनता की समस्या है, को लेकर हर वार्ड में धरना देने का कार्यक्रम करने का प्रस्ताव दिया। दिक्कत क्या हो रहा है उससे? प्रीपेड मीटर में 20%, एक तो मीटर बिना चेक किए घर में लगाया जा रहा है, घर के बाहर लगाया जा रहा है, जिसमें कोई भी बाहर से लाइन काट दे, कोई भी किसी के घर में चोरी डकैती हो जाए। उससे भी बड़ा इशू ये है कि सरकार जब प्रीपेड मीटर लगाने की बात कर रही है तो आम आदमी की मजदूरी, आम आदमी का वेतन भी प्रीपेड यानी पहले देने की व्यवस्था करें। पहले बिजली बिल आम आदमी, अगर रोजाना कमाने खाने वाले लोग जो 2-400 रुपया दिहाड़ी पर काम करते हैं, इनकेस अगर 5 दिन उनको काम नहीं मिलता है तो बिना बिजली के वह कैसे अपने घर में रहेंगे। दूसरा कचरा टैक्स को लेके पूरे देश में ये एक नंबर में, नगर निगम में आपको इंदौर का है जहाँ पर कचरा टैक्स 500 रुपये महीना है। तीसरा नंबर वाटर पानी टैक्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिहार को बिहार सरकार प्रीपेड मीटर का प्रयोग स्थली क्यों बनाना चाह रहा है। पूरे देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में है, ये हम जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। उसके बाद भी ये प्रीपेड मीटर ही सिर्फ बिहार से ही शुरुआत क्यों हो रहा है? इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। 52% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बिहार वासियों पर बात को रखते हुए इस प्रीपेड मीटर को बैक लेना चाहिए। हर जोर जुलूम।